योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अपने विरोधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सरकार को राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं से ज्यादा जरूरी लगती है। पहले डॉक्टर कफील और अब आजम खान उनके हिट लिस्ट में है। आजम खान के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई से अखिलेश यादव भड़क गए हैं। तो योगी सरकार से अखिलेश ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी मुखालफत करने वालों को योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। उसे वो लोग पसंद नहीं है जो लोग सरकार से सवाल करने की हिमाकत करें। तो अब योगी सरकार की हिट लिस्ट में आजम खान हैं, जिनके खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि दो बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और पैन कार्ड बनाने के मामले में सांसद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा सहित जेल में हैं। ऐसे में रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आजम खान के निजी रेस्टोरेंट में अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस जारी किया है, जिस पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उन्होंने योगी सरकार से ये पूछा है कि गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत पूरे यूपी में सत्ताधीशों का अवैध निर्माण आखिर कब गिरेगा, और साथ ही ये आरोप भी लगाया है कि राजनीतिक द्वेष में अंधी सरकार सांसद आजम खान पर शुरू से ही बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। अवैध निर्माण गिराने की तैयारी भी इसी नफरत का हिस्सा है। बता दें कि इसके पहले भी योगी सरकार ने आजम खान की बहन निखत अफलाक के नाम आवंटित बंगले को निरस्त कराने की कार्रवाई की थी। बताया जा रहा है कि आजम खान के निजी रेस्टोरेंट में अवैध निर्माण को तोड़ने की नोटिस जारी की गई है और 15 दिनों की मोहलत भी दी गई है। वहीं आजम खान के विरुद्ध कार्रवाई की एक लंबी फहरिस्त रामपुर प्रशासन ने भी तैयार कर रखी है। जेबी लाइव की रिपोर्ट।